Hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. My friend Mamar Ansari, आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ. क्या हो रहा है मेरा भाई? So guys, आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोमांच पूरक होने वाला है. तो जितना हो सके आज के एपिसोड को लाइक कीजिए. इसी नोट पे आज का एपिसोड शुरू करते हैं. शुरुआत करते हैं वॉर 2 के साथ. ये गाइस, वॉर 2 को लेकर हमारे एक्सपेक्टेशंस जो है वो बहुत ही ज्यादा स्काई हाई है. स्पेशली जब जूनियर NTR का यहाँ पर इंक्लूजन हुआ, जब जूनियर NTR स्वयं जो है इस फिल्म की शूटिंग करने के लिए मुंबई आए, एक्साइटमेंट बढ़ चुका है. नाउ कैन यू बिलीव इट, इस फिल्म की ना अनाउंसमेंट हुई है, ना कोई फर्स्ट लुक आया है, एंड दे हैव शॉट 55 days for the movie. Yes, friends, the principal photography for War 2 has crossed 55 days. ये अपने आप में एक huge achievement है. This is what YRF is known for. Secretive shooting, चाहे वो Ritik versus Tiger हो, चाहे वो Tiger 3 हो, चाहे वो Pathan हो, and अब जाकर ये film हो, every film in the spy universe अपने आप वो एकदम चुपचाप shoot करते हैं, and जब release के नजदीक हो तो अपना material release करते हैं. So guys, कल Junior NTR एक और schedule जो है उसको complete करके मुंबई के जो प्राइवेट एयरपोर्ट है वहां से वो हैदराबाद के लिए रवाना हुए. दिस फिल्म ऑल्सो विल बी अ वेरी हैवी प्रोडक्शन डिजाइन फिल्म, यानी कि इसके अच्छे खासे सेट्स जो है वो यहां पर YRF स्टूडियोज जो है वहां पर लगने वाले हैं. वापस रजत पोद्दार, हु वाज द प्रोडक्शन डिजाइनर फॉर वॉर ऑल्सो, पठान ऑल्सो, वही इसके सेट्स जो है उस पर काम कर रहा है. ऋतिक का सभी लोगों को पता है शाओलिन टेम्पल जो है वहां पर इंट्रोडक्शन सीन होने वाला है. जूनियर NTR इंट्रोडक्शन सीन इज गोना टेक प्लेस इन एन एरोप्लेन. एंड आज जूनियर NTR जो है वो हैदराबाद पहुंचे, एंड वहां पर हैदराबाद में उन्होंने अपना पोल जो है, यानी कि ही वेंट फॉर वोटिंग ओवर देयर. ऑब्वियसली वहां का उनका वोटर आईडी कार्ड होगा, तो वहां पर जाके उन्होंने वोट किया. तो ये तो खबर थी गाइस वॉर 2 की. एंड बहुत जल्दी ये स्केड्यूल जो है यहां पर आउटडोर्स भी जाने वाला है, ये मैंने आपको पहले बता दिया. अब गाइस बात करते हैं आमिर खान के बारे में. तो आमिर खान के पुत्र ने, यानी कि जुनैद खान ने, एक नहीं बल्कि दो फिल्म जो रैप अप कर ली है. पहले तो महाराजा, आई थिंक OTT पर आने वाली है. दूसरी फिल्म ऑब्वियसली साई पल्लवी के साथ है, वो उन्होंने रैप अप कर दी है. तीसरी फिल्म जो है जुनैद खान वो खुशी कपूर के साथ करने वाले हैं. ये डायरेक्टर अद्वैत चंदन की फिल्म होने वाली है, जो लाल सिंह चड्ढा जिन्होंने डायरेक्ट की थी सीक्रेट सुपरस्टार. एंड ये फिल्म तमिल मूवी लव स्टोरी का जो है यहाँ पर उसका रीमेक होने वाली है. एंड ये फिल्म बहुत जल्दी फ्लोर्स पर थोड़े बहुत सीन्स हो चुके हैं. मेन स्केड्यूल जो वापस जो है शुरू होने वाला है. लेकिन अब गाइस यहां पर आमिर खान जो है वो सितारे जमीन पर की शूटिंग जो है यहां पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं. यस फ्रेंड्स, आमिर खान RS प्रसन्ना की फिल्म सितारे जमीन पर जो है उसकी शूटिंग जो है यहां पर कर रहे हैं. एंड गाइस यहां पर फाइव स्टार होटल जो है पवई में, वहां पर आमिर खान जो है अपनी फिल्म सितारे जमीन पर उसकी शूटिंग कर रहे हैं. आमिर खान की 1947 जो है लाहौर, वो फिलहाल जो है प्रोडक्शन में है. एंड अभी गाइस जुनैद की फिल्म जो है वो भी है. एंड गाइस सभी लोगों को पता है यहां पर इमरान खान एंड नारायण वीरदास की फिल्म जो है वो भी गाइस यहां पर समाप्त हो चुकी है शूटिंग करके. तो चार फिल्म है आमिर खान प्रोडक्शंस में जो फिलहाल अभी फ्लोर पर जाते हुए दिखाई दे रही है, यानी कि ऑलमोस्ट समाप्ति पे है. अब गाइस बात करते हैं अगली खबर की, तो वो है जॉली LLB 3 की. जॉली LLB 3 की शूटिंग बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही है. हुमा कुरैशी एंड अक्षय कुमार आर शूटिंग. एंड गाइस यस, इस बार इस फिल्म में शायद मूंछ नहीं दिखाई देगी, क्योंकि गाइस यहां पर बहुत सारे सीन्स है जहां पर अक्षय कुमार जो एक बाइक चलाते हुए दिखाई दे रहे गाइस यहां पर, एंड हुमा कुरैशी उनके साथ है. एक जो स्टाफ है होटल का वो भी गाइस यहां पे आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पर, वो भी गाइस यहां पर दिखाई दे रहा है. तो लेट्स सी गाइस फिल्म किस तरह से होती है, तो आएगा तब पता चलेगा. लेकिन अब बात करते हैं द ऑल इंपॉर्टेंट फिल्म ऑफ अक्षय कुमार एंड प्रियदर्शन. यस फ्रेंड्स, ये एक सुपर नेचुरल फिल्म होने वाली है. ऑब्वियसली ब्लैक मैजिक पर आधारित है. प्रियदर्शन जी ने खुद कहा था कि मेरी ये फिल्म जो है वो ब्लैक मैजिक पे होने वाली है. एंड ये फिल्म जो है वो कंफर्म दिसंबर में जो है फ्लोर्स पर जाने वाली है. यस फ्रेंड्स, अक्षय कुमार विल बिगिन शूटिंग फॉर दिस सुपर नेचुरल फिल्म बेस्ड ऑन ब्लैक मैजिक इन दिसंबर. आज के रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे आलिया भट्ट, कियारा आडवाणी, कीर्ति सुरेश, लिखने से मुझे सोचते भी नहीं ना इन लोग कैसे चीजें होना इम्पॉसिबल है. वो सब हीरोइंस की जो मारामारी है उसमें यहाँ पर फिलहाल लग गई है गाइस. और सर एंड डन, फिलहाल शूटिंग जो है वो दिसंबर से होने वाली है, इतना मैं कंफर्म कर रहा हूँ. बाकी हीरोइन की खबरें तो ये बिना सर पैर खबरें आती रहती है. एंड द बिगेस्ट न्यूज इज दैट YRF टैलेंट एजेंसी, जो कि गाइस यहाँ पर बड़े से बड़े स्टार्स को मैनेज करती है, उनका PR देखती है, अनफॉर्चुनेटली कपूर द लेजेंड अर्जुन कपूर YRF जो है छोड़ दिए. YRF खुद खुश होगा कि अर्जुन कपूर ने हमारा जो टैलेंट एजेंसी है उसको अपने आप छोड़ दिया. एंड अर्जुन कपूर ने अब मैट्रिक्स जो है वो PR एजेंसी जो है वो ज्वाइन कर ली है. रेशमा शेट्टी जो एक टाइम पर सलमान खान की मैनेजर हुआ करती थी, अनफॉर्चुनेटली अब फिलहाल नहीं है. वो जो है अब अर्जुन कपूर का जो PR है
उसको यहाँ पर हैंडल करते हुए दिखाई देगी। तो लेट्स सी गाइस क्या होता है अर्जुन कपूर का आने वाले समय में, ये तो वक्त ही बताएगा। ओके गाइस, आई होप ये शॉर्ट इंटरेस्टिंग एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द लास्ट खबर इज फ्रॉम नन अदर किंग। कल ही यहाँ पर शाहरुख खान जो है इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर दिखाई दिए। एंड गाइज अनफॉर्चुनेटली फैंस के लिए तो वो हुडी में थे, एंड हुडी पहनकर वो एयरपोर्ट से बाहर निकल गए। लेकिन जैसे वो एयरपोर्ट से बाहर आ रहे थे, वी कुड सी अ कंप्लीट सॉल्ट लुक ऑन हिज फेस। सॉल्ट एंड पेपर नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट बियर्ड नहीं है, बल्कि कंप्लीटली व्हाइट बियर्ड है। तो क्या किंग में, जहां पर शाहरुख खान वापस से डॉन का किरदार निभा रहे हैं, ही इज गोना हैव अ कंप्लीट ग्रे बियर्ड। बट फिर ऑब्वियसली जवान में भी उनके पास बियर्ड थी, लेकिन उस तरह का लुक नहीं था, तो लॉन्ग हेड लुक। लेकिन यहां पर किंग में ही इज गोना हैव रियल लॉन्ग हेयर, एंड जो बियर्ड रखी है वो एकदम थिक कंप्लीट व्हाइट है। तो लेट्स सी गाइस, अगर उस लुक में शाहरुख खान हमारे सामने आए किंग में, इट्स गोना बी कंप्लीट फायरवर्क्स एट द बॉक्स ऑफिस। शाहरुख खान ने कहा है कि जैसे आईपीएल समाप्त होगा, वो किंग की जो यहाँ पर शूटिंग है उसमें जो है व्यस्त होने वाले हैं। लेट्स सी गाइस, एक्साइटिंग टाइम्स अहेड, एंड जैसे जैसे सब खबरें आती जाएगी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। इस मामले में सारी साइनिंग ऑफ, यू आर गोना सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।